हमारे पास एक ऐसा फोन आया जो DSLR को टक्कर दे सकता है, स्मार्टफोन DSLR। लेकिन एक सेकंड, क्या सच में मजा आएगा? यस, द पोर्ट्रेट स्मार्टफोन कैमरा किंग आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ वीवो के X सीरीज की। अगर आपको नहीं पता, वीवो की जो X सीरीज होती है भाई, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देता है वीवो, और इसमें भाई वीवो अब तक का सबसे तगड़ा कैमरा देता है भाई। दो फोन है इसमें, एक है X100 और एक है X100 Pro। लास्ट टाइम इन्होंने X90 Pro लॉन्च किया था, उसके कंपैरिजन भाई क्या क्या अपग्रेड है, क्या नया है, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, सब कुछ टेस्ट करेंगे भाई। फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और वो भी डबल अनबॉक्सिंग। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये देखो भाई, बॉक्स कुछ ऐसा सा है, काफी प्रीमियम सा पैकेज है। यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल दे रखा है, फुल जस्ट सिम। सबसे ऊपर आपको ये फोन मिल जाता है, और ये देखो भाई इसका डिजाइन, बहुत ही बड़ा कैमरा मॉड्यूल है भाई, देखने से लग रहा है कैमरा बीस्ट है। और देखते हैं बॉक्स में क्या है, ये ऊपर का स्टिकर है, और ये सिम इजेक्टर है। एक सेकंड भाई, इसके अंदर क्या है? ये जर्म कुंडली है, और ये सिलिकन केस है भाई, क्वालिटी इज नाइस, प्रीमियम है भाई। और इसके अंदर भाई, ओह क्या बात है भाई, ये 120 वाट चार्जर, काफी बड़ा चार्जर है, थोड़ा सा हैवी भी है। और ये दूसरी साइड क्या है भाई, ये टाइप सी केबल, और ये है भाई Vivo X100। इसके बॉक्स में भी सेम कंटेंट है। तो ये है Vivo X100 Pro और ये है Vivo X100। इसका जो डिजाइन है, लुक है, काफी हद तक सिमिलर है लास्ट ईयर के जैसा, बट दोनों में आपको स्पेशल हेलो मून डिजाइन देखने को मिलता है। इसके कैमरा टेक को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये इंस्पायर्ड है मून से, और शेप भी कुछ ऐसे आपको मून जैसा देखने को मिलता है। इसका जो बैक है भाई, ये ग्लास है, काफी टफ क्लास है, मैट फिनिश है इसमें, तो एक प्रीमियम सा टच और फील है इसमें। इसका जो फ्रेम है भाई, ये मेटल का है। एक बार इसका वेट चेक करते हैं, पहले X100 हो गए 207 ग्राम है, और X100 Pro का भाई कितना है, 226 ग्राम है। डिस्प्ले की बात करूं तो भाई दोनों में आपको सेम डिस्प्ले क्वालिटी दे रखा है, सेम स्क्रीन साइज है 6.78 इंच की, एक फुल HD+ कर्व AMOLED डिस्प्ले है दोनों में। ये एक LTPO AMOLED डिस्प्ले है, एक वाइब्रेंट डिस्प्ले है, बेहतरीन कलर्स देता है ये, 10-bit डिस्प्ले है, यूट्यूब पे 2160p पे HDR वीडियो सपोर्ट है। अगर ऐसे नॉर्मल डिस्प्ले देखते भाई, कलर्स देखो, वाओ ब्यूटीफुल कलर्स है भाई, इवन जो डिस्प्ले के वेक एंगल से वो भी बढ़िया है। एक चीज जो मुझे इसके डिस्प्ले में बहुत ही अच्छी लगी भाई, डिस्प्ले ब्राइट इनफ तो है, इंडोर आउटडोर में यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिस्प्ले में जो बेजल्स है साइड में, ऊपर की साइड में, नीचे चिन की साइड में, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसका जो डिस्प्ले है एकदम स्मूथ फील दे रहा है, तो डिस्प्ले वाइज कोई कंप्लेंट नहीं है, दोनों में आपको एक्सीलेंट क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है भाई। वीवो वाले जनरली शॉर्ट सेंसेशन की प्रोटेक्शन यूज करते हैं, एक बार इसका ड्रॉप टेस्ट भी कर ही लेते हैं। 3-4 फीट तो होगा, 1-2-3, ओ बहुत हार्ड। ये देखो भाई कुछ भी नहीं हुआ, एक बार बैक साइड से भी ड्रॉप करते हैं, 1-2-3, चलो कुछ नहीं हुआ। नीचे की साइड में सिम स्लॉट है, माइक्रोफोन है, टाइप सी है, और ये स्पीकर है, डुअल सिम स्लॉट है, कोई एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं है। राइट साइड में ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम बटन दे रखा है, ऊपर में यहाँ लिखा है ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी, यहाँ पे ये माइक्रोफोन है, और ये IR ब्लास्टर है। राइट हैंड साइड एकदम क्लीन है, जस्ट लाइक माई, समझ रहे हो ना, हमें स्टेज स्पीकर है, स्पीकर बहुत ही लाउड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फेस अनलॉक फीचर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसका फास्ट लगा। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट फीचर की, कैमरा। इस फोन के कैमरे को टेस्ट करने के लिए मैं इसे हांगकांग लेके गया था, और हमने इससे बहुत सारी फोटोज ली है, लाइक बहुत सारी फोटोज दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, दोनों में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है, लेकिन दोनों के कैमरे में थोड़ा सा सेंसर का फर्क है। जो Vivo X100 है, इसमें जो मेन कैमरा है ये 50 megapixel का है, सोनी IMX920 सेंसर के साथ, OIS है इस पे, 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, और 64 megapixel का पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस दे रखा है विद OIS। जबकि Vivo X100 Pro में इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन जो मेन कैमरा वो 50 megapixel का है, लेकिन सोनी IMX989 सेंसर के साथ है, OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस कैमरा है विद OIS। एंड हाँ, दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दे रखी है। ऐसे देखा जाए तो भाई कैमरे में जो नंबर है वो काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो सेंसर साइज है वो लास्ट ईयर के जैसा ही है। लास्ट ईयर X90 सीरीज में 1 इंच सेंसर था, इस बार भी 1 इंच सेंसर ही है, बट ये जो सेंसर है ये इंप्रूव्ड है और लास्ट जनरेशन से बेटर है। और जब हमने से कुछ फोटोज लिए थे हांगकांग में जाके, डे लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में, भाई वो चीज नोटिस हुआ है, इस बार आपको बेटर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। जब 4.3x में स्विच करते हो तो इससे आप एक सुपर मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी इसमें ZEISS का APO फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा दे रखा है, जो 2.5x अपर्चर के साथ आता था, इस बार भी सेम है। लेकिन इस बार जब मैंने इसको टेस्ट किया, मुझे लगा कि भाई हाँ, Vivo वाले ने थोड़ा सा और बेटर काम किया है। जब आप इसमें फोटोज लेते हो 6x से लेकर 10x तक, तो वहां पर आपको जो डिटेल्स देखने को मिलते हैं स्पेशली लो लाइट कंडीशन में, वो आपको फार बेटर देखने को मिलता है भाई। पोर्ट्रेट मोड में जाते हो तो वहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, 24 mm,
35mm, 50mm, 85mm और ये 100mm. और ये जो प्राइम लेंस वीवो ने इस फोन में डाला है ना भाई, इससे जो फोटोज निकल के आते हैं वाओ। ये आप कुछ सैंपल्स देख लो, ये 24mm, 35mm, 50mm, 85mm और 100mm से क्लिक की गई है। ये जो पांच प्राइम लेंस आपको दे रखे हैं पोर्ट्रेट मोड में, ये सच बताऊं फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं भाई। स्पेशली जो 100mm है भाई, इस पर अगर आप कोई फोटोज क्लिक करते हो, आप कलर्स देखना, जो डिटेल्स देखना, मतलब कुछ कुछ लाइटिंग कंडीशन, तो मुझे ऐसा लगा भाई ये DSLR से भी बेटर फोटोज क्लिक कर रहा है। सीरियसली भाई अमेजिंग लगा मुझे। मतलब इसके कैमरे में अगर आप देखोगे, आपको इसमें ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसका जो नाइट मोड है, अगर स्ट्रीट लाइट में आप कोई फोटोग्राफी करते हो, वाओ। इस बार एक और नई चीज ऐड की गई है, अगर आप पोर्ट्रेट में जाते हो, ZEISS में जाते हो, तो ये जो 20 स्पीड ZEISS मोड है, ये एक नया मोड यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी इसकी सेल्फीज को भी हमने टेस्ट किया था भाई, सेल्फीज भी बहुत अच्छी आती है, लाइक स्पेशली आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ओवरऑल भाई सेल्फी भी आपको बढ़िया मिल जाती है इस फोन में। बाकी इसमें 100x जूम भी है और इसको भी हमने टेस्ट किया था, और 100x जूम से अगर आप कोई फोटोज लेते हो, थोड़ा सा स्टेबल करने में मुश्किल होता है, लेकिन जो फोटोज निकल के आते हैं वो डिसेंट है, ठीक ठाक है, आप एकदम शार्प क्रिस्प एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक ठाक से फोटो निकाल लेता है। ये देखो वीडियो में जाते हो, तो वीडियो में आप भाई 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पे और 4K 60fps पे है। फ्रंट में भाई 1080p 60fps स्टिक है। और अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हो, तो भाई वीडियोग्राफी के मामले में ये फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब जितने भी हमने वीडियोस लिए हैं भाई, क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी निकल के आती है, और जो स्टेबलाइजेशन है भाई वो भी अच्छी है। स्पेशली इसमें जो एक मोड है सिनेमेटिक पोर्ट्रेट मोड, और इस पे अगर आप 4.3x पे जाते हो, और इससे अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ऐसा लगता है आपने एक्चुअली में एक DSLR से वीडियो रिकॉर्ड की है। इसके कैमरे को हमने जितना भी टेस्ट किया, मैं कहूंगा भाई काफी हद तक इसका जो कैमरा है वो DSLR को टक्कर दे सकता है। हाँ, DSLR के कैमरे में आपको डेप्थ डिटेल्स थोड़ी सी बेटर मिलती है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है। अब इतना टाइम आपके पास कहां है यार। तो जितना भी हमने टेस्ट किया भाई, इससे जो फोटोज निकल के आते हैं, जो फोटोज में ये कलर प्रोड्यूस करता है, आंखों को बहुत ज्यादा आई कैची लगता है, और आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, फट से क्लिक करो और फट देनी सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। सो इसके कैमरे के लिए भाई मैं वीवो को एक रोडिस वाला सल्यूट देना चाहूंगा। बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फोन में। वीवो X100 में आपको 5000mAh की बैटरी दे रखी है, X100 Pro में आपको 5400mAh की बैटरी दे रखी है। तो बैटरी थोड़ी सी बड़ी है X100 Pro में, एंड वो आपको इसके थिकनेस में फील होगा। जो X100 है भाई वो थोड़ा सा स्लिम है। चार्जिंग टेस्ट किया था हमने, वीवो X100 में आपको बॉक्स में 120W चार्जिंग मिलता है, बट ये 100W चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है, और 0 to 100% चार्ज होने में ये करीब 32 मिनट ले लेता है। बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के लिए हमने इसमें करीब 30 मिनट का कंटिन्यूसली गेमिंग करा, नॉर्मल गेमिंग। 30 मिनट की गेमिंग पे करीब ये 8% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। और इस फोन को मैं हांगकांग भी लेके गया था, और मैंने एक बार सुबह चार्ज किया था। सुबह चार्ज करने के बाद पूरा दिन मैंने बहुत सारे कैमरा सैंपल्स लिए, वीडियोस लिया, और फोन को काफी ज्यादा टेस्ट किया, और स्टिल रात होते होते भाई फोन में करीब 10 से 20% बैटरी बची रही है। तो इस बार जिसमें जो इम्प्रूव बैटरी है 5400mAh की भाई, ये आपको एक सॉलिड बैटरी बैकअप दे रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बैटरी को ड्रॉप करने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि हमें इसकी चार्जिंग टेस्ट भी करना था, 0 to 100% कितनी देर में चार्ज हो जाता है, तो भाई उसके लिए बहुत मेहनत लगा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, यानी कि पीरो गेम प्ले करने के लिए एक्साइटेड हो। और पीरो गेम प्ले करना बनता है, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस दे रखा है, जो चिपसेट दे रखा है दोनों, वीवो X100 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300+ V2 चिप दे रखा है, जबकि वीवो X100 Pro में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9300+ V3 चिप दे रखा है लेटेस्ट वाला। एंटीटू रन करके देखा, जो स्कोर है 2.1 million+ निकल के आया है। और ये जो एंटीटू स्कोर है, अगर आपको नहीं पता, काफी हद तक स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के कंपैरिजन में है, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। तो आइडिया आप लगा सकते हो, नहीं आइडिया तो बंद हो गया यार इससे आप आइडिया लगा सकते हो भाई, जो चिपसेट है वो कितना पावरफुल है। जो चिपसेट में इसमें हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, और जो ग्राफ है वो भी वेल ऑप्टिमाइज है, 79% सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज है। अब समय आ चुका है, समय आ चुका है पीरो गेम प्ले करने का। स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, HDR ऑप्शन है, ओके अल्ट्रा HD नहीं है। ओह भाई 90fps गेम है, ओह माय गॉड। तो फिलहाल हमने इसमें जायरो ऑन कर रखा है, ये देखो भाई जायरो, जायरो रिस्पांस बहुत ही सही है, ये देखो भाई। भाई इस फोन में 90fps पे गेम प्ले, सच बताऊं मजा आ गया भाई, जो ग्राफिक्स है एकदम स्मूथ है, मक्खन गेम प्ले है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। पीरो मनो सर्विस हियर, तो हमसे पंगा नहीं लेना, ये देखो। अरे पीरो मनो सर्विस हियर, ये देखो ये देखो ये देखो हमसे मार रहा है, ये देखो। ओ भाई ओवरऑल गेम प्ले इस फोन में भाई सॉलिड लगा, ग्राफिक्स अच्छे मिल जाते हैं, जो जायरो है बहुत ही अच्छे काम करता है। दो स्टोरेज रेट में आपको ये फोन मिल जाएगा, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, और 16GB रैम और 512GB स्टोरेज। बाकी इसके अलावा फोन 5G है, सारे 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC है, IP68 है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है। बाकी अबाउट में जाते हैं, ओके फन टच OS 14 है लेटेस्ट है, एंड्रॉइड 14 है लेटेस्ट, और अगर हम UI में देखते हैं, यस कुछ ब्लॉटवेयर है। बाकी इसके साथ आपको 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। और एक चीज कहना पड़ेगा भाई, जो फन टच OS है इस बार
काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है और काफी ज्यादा रिफाइन है। ओवरऑल देखा जाए तो Vivo X100 सीरीज में इस बार काफी सारी चीजें इंप्रूव है, जैसे कि भाई जो 1 इंच सेंसर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा इंप्रूव है, क्रिस्प शार्प और बेटर डेप्थ देता है ये फोटोज में, एक्सीलेंट नाइट फोटोग्राफी कर सकते हो आप इससे। मतलब अभी तक मैंने जितने भी फ्लैगशिप फोन यूज किया भाई उन सभी को अगर मैं देखूं तो उसके कंपैरिजन में अभी तक का मुझे इस फोन में सबसे बेस्ट नाइट मोड लगा। और एक और चीज इसमें जो पोर्ट्रेट में 5 मोड है भाई, ये आपकी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके चल जाते हैं। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो आपको DSLR कैरी करने की जरूरत नहीं भाई, इसमें जो पोर्ट्रेट मोड में 5 मोड है, स्पेशली जो 100mm मोड है, आई एम सुपर इंप्रेस्ड। सो लास्ट ईयर कंपैरिजन में डेफिनेटली भाई कैमरे में एक बिग इंप्रूवमेंट है। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है, आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए फ्लैगशिप सीरीज में, एक बार डेफिनेटली इस फोन को Vivo X100 सीरीज को ऑफलाइन स्टोर में जाके चेकआउट कर लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पता चल जाएगा। बाकी भाई परफॉर्मेंस भी इस फोन में सॉलिड है, परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 90fps पे आप बहुत स्मूथ गेमिंग कर पाओगे, डिस्प्ले अच्छी है, डिजाइन अच्छा है एंड सबसे बड़ी बात भाई बैटरी भी इस बार एक अपग्रेड है। ओवरऑल हमने जितना भी इस फोन को टेस्ट किया, जितना भी हमने इस फोन के साथ टाइम स्पेंड किया है, सीरियसली बहुत पसंद आया ये फोन, स्पेशली कैमरा डिपार्टमेंट में। कैमरा लवर्स के लिए सीरियसली ये फोन DSLR से कम नहीं है भाई। अब आप लोग नीचे कमेंट में बताओ भाई आपको कैसा लगा ये फोन, आपको कैसा लगा इसका कैमरा। सो ये था एक कंप्लीट Vivo X100 सीरीज, जो इसकी प्राइस और ऑफर डिस्काउंट वगैरह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। नीचे जो लाइक बटन है दबा दो, बाकी वीडियो को फैला देना। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।